हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ ये एशियन पेंट्स ट्रू केयर हाई प्रेशर वाशर के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो हाई प्रेशर वाशर है ये हमें मिल जाता है 4,500 रुपये का। और ऐसे फ्रेंड प्राइस का बात कर ली जाए तो इस पर जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। यहाँ पे प्राइस जो है इसका मेंशन किया है 7,999, लेकिन 4,500 रुपये का जो है ये हमें मिल जाता है आसानी से अमेजोन पे। और फ्रेंड्स, इसे जो है अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग से पहले जो है इसका कुछ मैं डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये मशीन जो है अपना 1800 वाट का है, जैसे कि आप लोग यहाँ कवर पे भी देख सकते हैं 1800 वाट। और इसका जो प्रेशर है 120 bar का जो है इसका प्रेशर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मिल जाता है टैप कनेक्टर, जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंशन किया हुआ है टैप कनेक्टर। और ये इनलेट फिल्टर एक मिल जाता है, स्प्रे गन एक्सटेंशन रोड मिल जाता है, बकेट फिल्टर मिल जाता है एक, और इनलेट कनेक्टर मिल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमें फोम बोतल भी जो है इसके अंदर में मिल जाता है फोम बोतल, और साथ ही में प्लेट होस मिल जाता है हमें 8 मीटर का। और जो इनलेट जिससे जो है पानी घुसता है वो इनलेट होस हमें मिल जाता है 2 मीटर में, लेकिन यहाँ पर जो है 3 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर में जो है हमें 2 मीटर का मिल जाता है पाइप। और फ्रेंड्स, साथ ही में जो है एक स्प्रे गन मिल जाता है जिससे जो है हम कार को धोएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग इसे करते हैं अनबॉक्स और इसका देखते हैं इसका जो गेटअप है वो किस तरह का है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें मिल जाता है ये गन। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आपको दिखाया था मैंने, ये वाला जो है हमें मिल जाता है अपना इनलेट पाइप के लिए, जो कि हम अपना बकेट से इस मोटर में कनेक्ट करेंगे इनलेट। ये इनलेट का कनेक्टर है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये है अपना एक्सटेंशन रोड, ये जो है हमें मिल जाता है फोम शैम्पू वॉश करने के लिए फोम बॉटल। और ये वाला जो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था इनलेट पाइप हमें मिलता है इसके अंदर। सो इनलेट पाइप में जो है जैसे हम उसे टैप में कनेक्ट करेंगे तो उस समय में जो है अपना इनलेट पाइप का एक एंड जो है इस तरफ रहेगा, और ये वाला जो है होस क्लिप दिया हुआ है जिसके मदद से जो है हम लोग टैप में लगा कर आसानी से टाइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है हमें मिल जाता है होस पाइप, जो कि मतलब अपना गाड़ी धोने के लिए है, आउटलेट पाइप है ये वाला। और ये जो है हमें 8 मीटर का मिल जाता है। सो काफ़ी बढ़िया है, 8 मीटर भी काफ़ी है गाड़ी धोने के लिए। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये बकेट फिल्टर मिल जाता है जिसको जो है हम बकेट में डालेंगे, जिससे जो है कोई भी गंदगी जो है अपना मोटर के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, साथ ही में जो है यहाँ पे ये जो है इंस्टॉलेशन मैनुअल भी मिल जाता है हमें, जिससे जो है मतलब हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं इस मशीन को। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है सारा कुछ दिया हुआ है, जैसे हमें कार वॉशिंग के लिए ये सारा चीज़ मिल जाता है, नंबर 1 में जो है ये, नंबर 2, नंबर 3। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसे फिट करना है, यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग वो भी सारा कुछ मैंशन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये है अपना पाइप, जो कि हमें 2 मीटर लेंथ का मिल जाता है पाइप, यहाँ पे 3 मीटर लिखा हुआ था। और फ्रेंड्स, लास्ट में जो है ये अपना मोटर आप देख सकते हैं, काफी सुंदर है। इसका जो कलर है काफी अट्रैक्टिव है, येलो कलर में आता है ये एशियन पेंट का हाई प्रेशर वाशर। और फ्रेंड्स, साथ ही में जो है इसके ऊपर में प्रेशर गज भी हमें मिल जाता है, और वो भी काफ़ी कम कीमत में, 4,500 रुपये में जो है हमको ये प्रेशर गज भी मिल जाता है, और काफ़ी रेपुटेड ब्रांड है एशियन पेंट, इसका मिल जाता है हमें। और फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो स्विच है वो रबर से कोट किया हुआ है। सो यहाँ पे जो है ये ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। साथ में जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है अपना आउटलेट के लिए दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये इनलेट वाला है। सो इनलेट वाला जो है आपको पता है हमेशा इनलेट जो है बड़ा होता है, और आउटलेट का साइड जो है ये छोटा होता है। जैसे ये छोटा है, ये 1/2 इंच का है, और इधर जो है 3/4 इंच का है।
सो फ्रेंड्स, आपने जो ऐसा देख लिया होगा इसका जो गेटअप है, किस तरह इसका लुक कम्प्लीटली आपने देखनी है और उसमें क्या क्या एसेसरीज जो है हमें मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है इसका इंस्टॉलेशन करते हैं और इंस्टॉलेशन सेम टू सेम है जैसे हमने पहले वाला मशीन में किया था। सो सेम टू सेम रहेगा इंस्टॉलेशन। सो फ्रेंड्स, इसे कनेक्ट करते समय जैसे आपको बताया था, ये वाला जो है पूरा अंदर जाना है इसे। हाँ, ये जो है अभी ठीक है, और इसके बाद में जो है इसे अच्छे से स्क्रू कर देना है इसके ऊपर। तो ये जो है अभी हो चुका है रेडी, और ये वाला साइड में जो है फ्रेंड्स, इधर हम लोग जो है इस गन को कनेक्ट करेंगे। तो ये इधर भी जो है ये अच्छे से जो है अंदर चला जाना चाहिए। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये रबड़ अपना ये एक्स्ट्रा भी मिलता है हमें मार्केट में, जैसे ये ख़राब हो जाता है तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे जो है लीकेज नहीं होगा। तो ये जो है इसे अच्छे से हमें डालना है इसमें। तो ये अंदर जा चुका है और अब इससे भी टाइट कर देते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ये अपना इनलेट वाला पाइप है और इनलेट वाला पाइप को जो है हम इधर कनेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, उसे कनेक्ट करने से पहले जो है पहले हम ये वाला कनेक्ट कर लेते हैं। सो इसे जो है इसमें हम लोग डाल देंगे और ये पाइप को जो है इसके अंदर डालेंगे। सो ये जो है डाल दिया मैंने। सो ये हो गया रेडी अभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो है इस पर हम इसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। सो उससे पहले जो ये कनेक्टर जो है इसे हमें यहाँ पे टाइट कर लेना होगा कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, इस कनेक्टर के अंदर में जो है इधर भी फिल्टर रहता है, तो ऐसे बकेट से भी जो है ये साफ करता है पानी को, और इधर भी एक फिल्टर रहता है। तो ये भी अपना कनेक्ट हो गया, और अभी जो है हम लोग ये वाला जो है आप देख सकते हैं, इसे जो है पीछे की तरफ खींचना है, और पीछे की तरफ खींच के जो है इसके अंदर में इसे लॉक कर दें। सो फ्रेंड्स, ये लॉक जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा पूरा यहाँ तक चिपकना चाहिए, सामने लेके दिखा दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो लॉक है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ तक रेंज से ये रॉन्ग है। सो इसे जो है पूरा, हाँ, जैसे यहाँ तक पूरा चिपकना चाहिए, और ये जो है अभी लॉक हो चुका है अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोग टेप में लगाने वाले नहीं है, हम लोग जो है बकेट में डालेंगे। सो ये जो अपना बकेट फिल्टर है उसे इस तरफ लगाएंगे, और फ्रेंड्स ये अपना बकेट फिल्टर लग चुका है। सो फ्रेंड्स, अपना जो एक्सटेंशन कॉर्ड था जो हमने लाया था वो ख़राब हो गया किसी कारण से। सो इसलिए जो है फ्रेंड्स, हमारा जो ये वायर है काफ़ी छोटा है, जैसे आपको बताया था मैंने 1 मीटर लेंथ है इसका। सो इसे जो हम लोग ने टेबल पर रख दिया है, और अभी जो हम लोग टेस्ट करेंगे। सो ऐसे जो है करंट जो है इसमें आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम इसमें कुछ वाटर फिल कर लेंगे, जिससे जो है आसानी से मोटर पानी को खींच लेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका स्विच है, और मैं इसे ऑन कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोटर जो है चलते चलते बंद हो चुका है। तो इसके अंदर जो है पूरा पानी जो है फिल हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये सामने की तरफ आप जैसे देख सकते हैं, ये स्विच जो है अपना,
ये स्विच में जो है इंडिकेटर दिया हुआ है, एलईडी इंडिकेटर, जैसे आप देख सकते हैं ये अभी रेड जल रहा है तो ऑन है अपना, और जैसे मैंने ऑफ कर दिया ये ऑफ हो गया। तो इसे जो है हम लोग ऑन कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है पानी पूरा फिल है, तो ये जो है अभी आवाज़ नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे हम जो है इसका इसका जो कॉर्ड लेंथ है काफ़ी बड़ा है, सो हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगा गाड़ी को धोने में, आसानी से हम धो सकते हैं गाड़ी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कॉर्ड लेंथ जो है काफ़ी लंबा है। सो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गाड़ी को धोने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जैसे हम मैंने आपको बताया था तीन मोड जो है हमें मिल जाता है। सो इसे इस तरह से जो है रोटेट करके जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को और हेल्पफुल लगा होगा। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।